हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू वेलकम बैक टू द चैनल लाई एजुकेशन सो ट्वेंटी सिक्सथ नवंबर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल एंड कॉन्स्टिट्यूशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन uh, जो है वो यू पी एस सी में प्रेलिम्स और मैं दोनों में आते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पोर्टेंट प्रोविजन है उससे रिलेटेड एंड मैथ्स में जो है वो ये जी एस पेपर टू का हिस्सा है इंडियन पॉलिटी एंड इन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स हिस्टोरिकल एंड एंडरपेनिंगस इवोल्यूशन फीचर्स अमेंडमेंट्स so basic structure all these things are covered under gs2 so in this video we are going to talk about different criticisms to the constitution of india and its address by none other than the person who was the chief architect of the constitution dr br ambedkar so we all know that uh, constitution of india is like longest constitution in the world and over a period of around 75 years post independence कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो है वो इंडिया में सोशल चेंज काफ़ी फंडामेंटल सोशल चेंज हुआ है सो so, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यून असेंबली के द्वारा बनाया गया था जिसके आ, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सो दिस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्मड ऑन सिक्स डिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स एंड इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड ऑन नाइन्थ डिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स जो प्रेजेंट डे जो इंडियन पार्लियामेंट का जो हाउस है वहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बैठी थी और नाइन्थ डिसंबर से कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ और ओवर अ पीरियड ऑफ अराउंड टू ईयर्स इलेवन मंथ्स एंड सेवनटीन डेज आप सोच सकते हैं कि लगभग लगभग जो है वो 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 तीन साल इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में लग गए तो इट शोज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे कितना दिमाग लगाया गया है कितनी डिस्कशंस हुई हैं और टोटल इट टुक 11 सेशंस ऑफ द असेंबली कवरिंग 165 डेज एंड अराउंड 7600 अमेंडमेंट्स वर सजेस्टेड और सबमिटेड बाय द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यून असेंबली टू द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इट्स अ वेरी डिलीबरेट प्रोसेस जहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस किए गए डेलीबरेशन्स किए गए और उसके बाद जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो ओरिजिनल फॉर्मेट था दैट केम इन टू एक्जिस्टेंस सो ऑन ट्वेंटी सिक्स नवम्बर नाइनटीन फोटी नाइन द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली फाइनली अडॉप्टिड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी वी ऑल नो इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ओके एंड ऑरिजिनल कॉन्स्टीट्यूशन हैड थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स ट्वेंटी टू पार्ट्स एंड एट शेड्यूल्स सो अभी तो आर्टिकल्स की संख्या बढ़ गई है और शेड्यूल्स की संख्या भी आठ से बढ़कर बारह हो गई है लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो थ्री नाइन्टी फाइव आर्टिकल्स थे अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके मेन मेन क्या क्रिटिसिज्म है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उनका क्या जवाब दिया सो इट विल हेल्प अस राइटिंग आंसर्स फॉर द मैंस एग्जाम तो जिस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो एक्सरसाइज थी जब वो चल रही थी तो बहुत सारे क्वेश्चन उसके बारे में पूछे गए उनमें से एक था कि जो इसके फेडरल अप्रोच जो है उसको रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया दूसरा क्वेश्चन था विद रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी और उसके अलावा ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो कुछ नहीं है बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के और कॉपी पेस्ट करके आपने एक जो है वो डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया तो ऑन फोर्थ नवंबर 1948 जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट बन गया था और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बी आर अम्बेडकर ने रखा था तो ही हिमसेल्फ एड्रेस्ड दीज क्रिटिसिजम्स एंड सबसे पहले उन्होंने जो है वो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन वाली जो बात थी उसका जवाब दिया तो उनका ये कहना था कि आज के टाइम पे जब लगभग जो है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका का जो बना था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसको बने हुए लगभग सौ साल हो गए हैं तो क्या आज के टाइम पे ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है जो नया हो देर कैन बी नो एनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज बहुत सारी कंट्री में जो है वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क लागू हो गया है और बहुत सारी कंट्रीज़ के जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन बन गए हैं तो बिल्कुल नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना संभव नहीं है और उन्होंने बताया कि लगभग जो फर्स्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बने हुए सौ साल हो गए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो पूरा एक कहीं से जो है वो बिल्कुल नया कॉन्स्टिट्यूशन लेके आ जाएं एंड ही आल्सो सेड दैट द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी डैट की ये जो मेन मेन जो आपके इश्यूज है उसको कवर कर दे द मेन प्रोविजन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द वर्ल्ड शुड लुक सिमिलर यानी कि जो थीम जो रहती है कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है दैट शुड रिमेन सिमिलर एंड जो कंट्री के जो आपके स्पेसिफिक जो नीड्स होती है कि इंडियन सोसाइटी अलग है यूरोपियन सोसाइटी अलग है अमेरिकन सोसाइटी अलग है तो उन सोसाइटल जो नीड्स हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए जो है वो कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बाकी मोर और लेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक सेटअप वुड बी सेम सो दैट वॉज हिज आंसर टू दैट चार्ज और कुछ लोगों का ये कहना था कि ये जो है वो दूसरी कंट्री का जो ब्लाइंड कॉपी का uh, आपने बिल्कुल प्रोड्यूस कर दिया है so he said that I am sure on an adequate study of the constitution this charge will also go away तो उनका ये कहना था कि जो लोग ये वाला allegation लगाते हैं कि it's a blind copy of other constitution उनको जो constitution of India है उसको पहले पढ़ना चाहिए और जब वो खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो सिर्फ ब्लाइंड कॉपी नहीं है और जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो मेहनत की है जो काम किया है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं किया है सो दिस was द बेसिक रिप्लाई

देन दूसरा क्रिटिसिज्म था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें जो एनशियट हिंदू मॉडल ऑफ स्टेट है उसका कुछ भी नहीं रखा गया है यानी कि प्राचीन टाइम में जो है वो लाइक विलेज रिपब्लिक होते थे और ग्रामीण लेवल पर जो गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होता था कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो ये सब कुछ भी नहीं रखा हुआ है और दिस इज़ जस्ट कॉपी पेस्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम तो उसके लिए उनका ये कहना था कि जब हम ये वाला क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि इसमें जो है वो एनशियट पॉलिटी ऑफ इंडिया है वो नहीं दिख रही है इट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एंशियंट हिंदू सिस्टम जो है स्टेट गवर्नमेंट का और जो वेस्टर्न सिस्टम है उसमें काफ़ी बेसिक डिफरेंस है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो बेसिक हिंदू मॉडल ऑफ स्टेट है उसमें हम बात करते हैं कि विलेज पंचायत होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट पंचायत होनी चाहिए तो उसके पीछे हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो व्यू है वो एक, एक एक्सट्रीम व्यू है यानी कि जो लोग ये चाहते हैं कि कोई सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए दिस इज़ एन एक्सट्रीम व्यू और उन्होंने फिर जो है वो इंडियन विलेज का जो कॉन्सेप्ट है कि इंडियन विलेज क्या है उसके बारे में एलाबोरेट एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने ये कहा कि ये जो हमारा व्यू है जो है वो एक बायास्ट है मतलब और जो विलेज जो चार्ल्स मेटकैल्थ थे उन्होंने कहा कि इंडियन विलेज जो हैं वो लिटिल रिपब्लिक्स हैं यानी कि एक गांव जो है वो है जो अपने आप में पूरा परिपूर्ण है और उसमें सब कुछ लाइक उसकी इकोनॉमी उसकी पॉलिटी उसकी डिफेंस सब जो है वो आ, विलेज इकोनॉमी लाइक ही कंसिडर्ड विलेज एज ए यूनिट एंड ही सेड कि गांव जो है वो अपने आप में एक लिटिल रिपब्लिक थे उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर क्रिटिसाइज्ड हिज अप्रोच ऑफ चार्ल्स मेटकल्फ और उन्होंने कहा कि ये जो है वो एक रोमांटिक एक्सप्लेनेशन है इंडियन विलेज की एंड <coughs> जो चार्ल्स मेटकैल्फ का कहना है कि द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन विलेज कम्युनिटीज़ ईच वन फॉर्मिंग अ सेपरेट लिटिल स्टेट इन इट्सल्फ हैज़ लाइक हेल्प प्रिजर्व द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू ऑल द रेवोल्यूशंस एंड चेंजेस विच दे हैव सफर्ड एंड इट इज़ हाई डिग्री कंडीसिव टू प्रोड्यूस दर हैपीनेस एंड एन्जॉयमेंट ऑफ अ ग्रेट पोर्शन ऑफ द फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस उन्होंने कहा कि जो चार्स मेट मेटकेल्फ का कहना है कि बहुत सारे चेंजेज हुए लेकिन फिर भी जो है इंडियन विलेज जो हैं वो इंडियन सोसाइटी जो है वो, वो सर्वाइव कर गई तो इसमें ये एक जो इंडियन विलेज है उसकी काफ़ी एक रोमांटिक पिक्चर प्रेजेंट की गई थी एंड उन्होंने कहा कि नो डाउट द इंडियन विलेज कम्युनिटीज़ हैव लास्टेड फॉर लॉन्ग यानी कि बहुत लंबे समय से चली आ रही है बट जो लोग इस चीज़ में प्राइड लेते हैं उनको एक क्वेश्चन अपने आप से करना चाहिए कि इसका एग्जिस्टेंस जो है वही सिर्फ काफ़ी नहीं है यानी कि अगर विलेज कम्यूनिटीज सर्वाइव कर रही है तो वो सिर्फ प्राइड का मैटर नहीं है और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उससे फ़ायदा क्या हुआ जो जो है जो विलेज सोसाइटीज़ जो हैं तो उन्होंने कहा कि हमें ये भी पूछना पड़ेगा कि, कि किस प्लेन पे वो सर्वाइव कर रहे हैं मीयर सर्वाइवल इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एंड जो इंडियन विलेज का जो सर्वाइवल है दैट इज श्योरली ऑन अ लो एंड सेल्फिस लेवल सो ही सेड दैट आई होल्ड दैट दिस विलेज रिपब्लिक्स हैव बीन ऑफ इंडिया यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर के जो विलेज को लेकर जो व्यूज़ थे वो बहुत ही लाइक क्रिटिकल व्यूज़ थे एंड ही सेड दैट इंडियन विलेज इज़ नथिंग बट अ सिंक ऑफ लोकलिज्म अ डैन ऑफ इग्नोरेंस एंड नैरो माइंडेडनेस इन सो इन सोसाइटी ऑल्सो देर आर मल्टीपल थियोरीज अबाउट इंडियन विलेज सो what was the view of dr ambedkar on indian village we can write this that he was not in favor of village republics and village panchayats and he was uh, also very critical of the indian village system and he called it as a sink of localism den of ignorance and narrow mindedness and communalism so these are the words of dr ambedkar himself we can write that in essay as well as sociology paper or uh, even gs2 paper if it is asked थर्ड था कि आपने जो है वो माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे सेफ़ दे दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फंडामेंटल राइट्स में आपका आर्टिकल ट्वेंटी फाइव से लेकर थर्टी तक जो है दैट कवर्स द प्रोटेक्शन गिवन टू द माइनॉरिटीज़ सो डॉक्टर अम्बेडकर सेट दैट की जो इंट्रोडक्शन ऑफ सेफ गार्डस फॉर द माइनॉरिटीज़ है दैट वॉज लाइक द ड्राफ्टिंग कमेटी दे मियरली फॉलोड द डिसीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यानी कि जो like, uh, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो डिसीजन था वही ड्राफ्टिंग कमेटी ने फॉलो किया है उसमें उनका खुद का कोई आ, ऐसा इंडिपेंडेंट रोल नहीं है और उन्होंने कहा कि इस कंट्री में जो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों जो है वो एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं दे हैव फॉलोड अ डिफरेंट पाथ मेजोरिटी के लिए जो माइनॉरिटीज़ की जो एग्जिस्टेंस है उसको डिनाई करना भी गलत है और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए भी अपने आप को परपेचुअली जो है वो माइनॉरिटी में रखना या ये कहना कि हम जो हैं वो हमेशा ही माइनॉरिटी रहेंगे ये भी गलत है तो इन दोनों का एक सोल्यूशन निकालना चाहिए एंड दैट सोल्यूशन मस्ट बी फाउंड विच सर्व्स डबल पर्पज़ यानी कि दोनों का फायदा हो एंड वी हैव टू डिस्कार्ड लाइक जो दोनों के बीच के जो डिफरेंसेज हैं उनको ख़त्म करना पड़ेगा एंड वी हैव टू लाइक मेक द इंडियन सोसाइटी इक्वल जहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कोई फ़र्क ना रहे सो so, उन्होंने कहा कि जो लोग लाइक एक्सट्रीम व्यू रखते हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर उनके लिए आई वुड लाइक टू से टू थिंग्स फर्स्ट इज़ दैट कि माइनॉरिटी जो हैं वो एक्सप्लोजिव फोर्स होती हैं और अगर ये इरप्ट कर जाएं तो इट कैन लाइक ब्लो अप द होल फैब्रिक ऑफ द स्टेट यानी कि ये पूरा जो स्टेट का एक कॉन्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसको हिला सकती है और इंडिया में हम कह सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो बहुत सारी इंसर्जेंसीज जो हुई हैं या फिर अगर नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है तो वी कैन व्यू ऑल दोज प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस फ्रेमवर्क दैट माइनॉरिटी इज़ एन एक्सप्लोजिव फोर्स एंड इफ इट इरप्ट इट कैन ब्लो अप द होल फैब्रिक ऑफ द स्टेट

रिगार्डिंग द सेफ गार्ड्स प्रोवाइडेड टू द माइनॉरिटीज़ देन ऑन द क्वेश्चन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स में इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस आपने डाल दिए हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं रह गए हैं तो यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर ने जो है वो डिफरेंशिएट किया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो एप्सोल्यूट कि राइट्स नहीं हो सकते और जो आर्टिकल थर्टीन है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें बहुत सारे एक्सेप्शन डाले गए हैं तो इससे कुछ लोगों का ये कहना है कि इन द ओपिनियन ऑफ़ द क्रिटिक्स फंडामेंटल राइट्स आर नॉट फंडामेंटल राइट्स अनलेस दे आर एब्सोल्यूट राइट्स तो उन्होंने कहा कि फ़ंडामेंटल राइट्स जो वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकते क्यों नहीं हो सकते बिकॉज ही डिस्टिंग बिटवीन फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल राइट्स उनका कहना था कि नॉन फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो किसी भी दो एंटिटीज़ या किसी भी मल्टीपल एंटिटीज़ के एक एग्रीमेंट से निकल के आते हैं यानी कि जो डिफरेंट पार्टीज़ होती है, हैं उन एक एग्रीमेंट पे पहुंचती हैं कि ये फला फला राइट्स होने चाहिए इंडिविजुअल के दो आर दोज आर नॉन फंडामेंटल राइट्स बट सम राइट्स आर फंडामेंटल इन नेचर एंड दे आर गिफ्ट ऑफ़ द स्टेट दिस वॉज द वर्ड यूज बाय डॉक्टर अम्बेडकर टर्मिनोलॉजी गिफ्ट ऑफ द स्टेट सो ही सेड दैट कि जब स्टेट जो है वो कुछ राइट्स जो गिफ्ट की तरह दे रहा है तो उस पर जो है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकते उस पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होना पड़ेगा फॉर एग्जांपल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकता कि आप कुछ भी कह दें और किसी के लिए भी कुछ भी कह दें देर हैज़ टू बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस तो जो हम जानते हैं कि आर्टिकल 19 का जो सेकंड पार्ट है उसमें रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं कि आप जो है वो सॉवरनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को ख़तरे में नहीं डालेंगे आप जो है वो स्टेट की जो सिक्योरिटी है उसको ख़तरे में नहीं डालेंगे अगर इस तरह आप की आपकी कोई स्पीच होती है तो उस पर जो है वो पाबंदी है सो देन ही सेड कि कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो है वो एब्सोल्यूट है बट ही सेड कि वहाँ पर भी जो है फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है बिकॉज वहाँ जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से लिमिटेड होते हैं वहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस है जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है दोज़ आर इम्पोज बाई द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ अमेरिका एंड इन इंडिया वी हैव लाइक पुट दोज रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट्सल्फ सो दैट जो सुप्रीम कोर्ट जो होगा उसको बाद में ये वाला बर्डन ना उठाना पड़े कि हर एक, एक चीज़ का डिसाइड करना पड़े कि क्या जो है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होगा तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो फंडामेंटल राइट्स को एब्सोल्यूट बताया गया है लेकिन उनके जो रिस्ट्रिक्शंस है वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आते हैं हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में ही जो है वो रीजनेबल uh, रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए गए हैं तो उसके बाद में बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट में हर फंडामेंटल uh, राइट्स पे बहुत सारे केसेज हुए हैं दैट इज़ नॉट द स्कोप ऑफ दिस वीडियो सो थैंक यू सो मच गायस दीज वर मेन फोर क्रिटिसिजम वन वॉज़ विथ रेस्पेक्ट टू द लाइक कि जो इंडिया का एंशियंट सिस्टम जो है उसको नहीं रखा गया है तो उस पर अम्बेडकर का ये कहना था कि जो इंडियन विलेज हैं वो उनकी जो एक नेशनल लेवल पे जो कंट्रीब्यूशन होता है वो नहीं रहा है इसलिए जो है वो हम विलेज रिपब्लिक्स और विलेज पंचायत के फेवर में नहीं जा रहे हैं हम प्रोविशियल और जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर के फेवर में जा रहे हैं दूसरा था कि आपने फंडामेंटल राइट्स जो हैं एब्सल्यूट नहीं रखे तो उन्होंने ये कहा कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होना पड़ेगा देर आर डिफ्रेंस बिटवी फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल राइट्स देन ही ऑल्सो लाइक गेव एन एक्सप्लेनेशन फॉर द चार्स दैट आपने माइनॉरिटीज़ को बहुत सारे सेफ़ गार्ड्स दे दिए तो उन्होंने ये कहा कि जब माइनॉरिटीज़ खुद एग्री uh, कर रही हैं कि हम वी आर रेडी टू बी रूल्ड बाई मेजोरिटी सो इतने सेफ गार्ड्स तो जो है उनको दिए जाने चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज देट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ बोरोड डॉक्यूमेंट तो उसका उन्होंने कहा कि आज के टाइम पर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो वो अपने आप में बिल्कुल नया नहीं हो सकता और जो डेमोक्रेटिक सेटअप में जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें जो बेसिक प्रोविजंस है दैट शुड बी सिमिलर और जो सोसाइटी की जो नीड्स होते हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए देर कैन बी मल्टीपल डिफ्रेंसेज सो थैंक यू सो मच गायज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आई होप दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एंड यू कैन यूज़ द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय डॉक्टर अम्बेडकर हिमसेल्फ इन राइटिंग योर आंसर्स सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड यू कैन जॉइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे वीडियो में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप इसको अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको जो इस वीडियो की जो पी है वो पी डी एफ फॉर्मेट में मिल जाएगी सो दैट विल एक्ट एज योर नोट्स आपको जो है वो अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे थैंक यू सो मच लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल लाए एजुकेशन थैंक यू सो मच हैवे नाइस डे